आइए आज जानते हैं पीतल के बर्तनों को कैसे हम साफ करें। पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए ये तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला, नींबू और नमक। नींबू की एसिडिक प्रॉपर्टी पीतल पर जमी गंदगी और कालापन को दूर करती है। इसके लिए आधे कटे नींबू पर नमक छिड़क कर पीतल के बर्तन पर रगड़ें और फिर पानी से धो लें। बेकिंग सोडा और नींबू। एक चम्मच बेकिंग सोडा में 3 से 4 बूंद नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे पीतल के बर्तन पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। सिरका। पीतल के बर्तनों पर सिरका डालकर नमक से अच्छी तरह रगड़ें और फिर गर्म पानी से धो लें। इमली। इमली को गर्म पानी में भिगोकर 15 मिनट बाद पल्प निकाल लें। इस पल्प को स्क्रब की तरह बर्तन पर रगड़ें। उबलता पानी इमली और सिरका। पानी उबालें और उसमें इमली और थोड़ा सिरका मिला लें। पीतल के बर्तन को कपड़े से साफ करें और घोल में डुबो दें। इसे भिगोकर रखें और दाग हटाने के लिए समय समय पर जांच करते रहें। किचन के इन 3 चीज़ों से पीतल के बर्तन को चुटकियों में कर सकते हैं साफ। आइए जानते हैं डिटेल में। खाना बनाना या फिर घर की सफाई के लिए आपने एक बार नहीं बल्कि कई बार सिरके का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आपको बता दें कि इसके इस्तेमाल से पीतल के बर्तन को भी चमका सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पीतल के बर्तन में लगी जंग को भी आसानी से हटा सकते हैं। फॉलो करें ये स्टेप। सामग्री। सिरका 4 चम्मच, आटा 1/2 कप, नमक 1/2 चम्मच, पानी। मिश्रण बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका। सबसे पहले आटे में नमक को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। फूड स्टोर करने के आयुर्वेदिक टिप्स। इधर एक पैन को गर्म करें और पैन में आटा, सिरका और पानी को डालकर गोंद की तरह बना लें। कुछ देर गोंद ठंडा होने के बाद मिश्रण में से लेकर पीतल के बर्तन पर लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट बाद क्लीनिंग ब्रश से रगड़कर साफ कर लें और पानी से धो लें। बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल। घर से लेकर किचन की कई चीज़ों और कई जगहों को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा एक बेस्ट उपाय है। इसके लिए पीतल के बर्तन को भी आसानी से साफ कर सकते हैं। पीतल के बर्तन में लगी जंग को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉलो करें ये सामग्री। बेकिंग सोडा 2 चम्मच, नींबू का रस 2 चम्मच, पानी 1 लीटर। मिश्रण बनाने और साफ करने का तरीका। इसके लिए सबसे पहले 1 लीटर पानी में बेकिंग सोडा या फिर नींबू के रस को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को हल्का गुनगुना कर लें और इस मिश्रण में पीतल के बर्तन को डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। लगभग 10 मिनट बाद क्लीनिंग ब्रश से रगड़कर साफ कर लें और नॉर्मल पानी से धो लें। नमक और नींबू का करें इस्तेमाल। नमक और नींबू के रस के इस्तेमाल से भी आप पीतल के बर्तन को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए 1/2 कटोरी नींबू के रस में 2 चम्मच नमक को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को पीतल के बर्तन पर लगभग 30 मिनट तक लगाकर छोड़ दें। 30 मिनट बाद क्लीनिंग ब्रश से रगड़कर साफ कर लें और नॉर्मल पानी से धो लें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।